हाँ जी बाटे ही नहीं थे, दिल्ली के सब ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर बाई पोस्ट ठप्पा पोस्ट का लगा के भेजे भी गए थे और वो कार्ड उन्होंने पढ़ करके जल्दी जल्दी वापस भी कर दिए, वो वापस किए हुए भी रखे हैं प्रूफ और प्रमाण के लिए। अब अभी ऐसा करेंगे दोबारा हैं? जो आज में हुआ वो अंत में भी होते हैं। और तोता के साथ तो राम का सब धुनी क्यों लगाते हैं है? तोता तोता हाँ, तोता हाँ। के साथ राम राम भी शब्द लगाते हैं ना, तोता तोता राम बोलते हैं तेलुगु में, राम चिलका तोता राम राम बहुतों के साथ राम लगा देते हैं, बाबू राम, सिया राम, राजा राम, कितने नाम हैं जिनके साथ राम शब्द ही लगाते हैं। और तोता राम तो खास होगा क्योंकि शिव बाबा के मंदिर में दो तरह के ही पक्षी होते हैं क्या, एक तो जहां जहां शिव मंदिर बना होगा वहां कबूतर जरूर होंगे क्या, कबूतरों की क्या खासियत और तोतों की क्या खासियत, कबूतर जो होते हैं वो शिव बाबा के मंदिर में रहते तो हैं लेकिन कथा बता कुछ नहीं सुनते, ऐसे ही ओंकारा भरते रहते हैं सत्यवचन महाराज सुनते नहीं हैं क्या, वो ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं सुनते हैं। हाँ कबूतरों के गले में संदेश बांधा जाता है, कहते ना गले पड़ गया, जबरियन उनको सुनाना ही पड़ता है। जब शंकर पार्टी निकलती है ना उनके शब्दों में तो जबरियन उनको ज्ञान सुनाना ही पड़ता है, अगर नहीं सुनावेंगे तो ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ करना पड़े। और तोते तोते शिव बाबा के मंदिर में रहते नहीं हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाकर पियो 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 चारों तरफ जो सुना है थोड़ा सा सुना है वो चारों तरफ फैलाए देते हैं, थोड़ा सुना है या पूरा सुना है, 84 जन्मों की पूरी कहानी नहीं सुनी है, एक एक जन्म की थोड़ी सी बातें सुनी है लेकिन जो भी थोड़ी सुनी है वो चारों तरफ फैलाए देते हैं, ऐसी उनके कंठ में से आवाज निकलती है, इसलिए वो कंठी वाले तोते कहे जाते हैं, उनके गले में ज्ञान की कंठ ही पड़ी हुई है, उन्होंने ज्ञान को कंठ किया हुआ है, ज्यादा ध्यान दिया है। और कबूतरों ने सुना तो है समझा नहीं है, तो जो सुना है वो बातें मुख से बाहर निकलती नहीं, अंदर ही गुणकू कू करके रह जाती है, आवाज बाहर नहीं आ पाती। और ये पंखा बंद कर तो सुनाई नहीं पड़ता, इसकी आवाज ज्यादा आती है। हाँ जी माता जी, पूछ रहे कल्पा में सेल में सेवा हो रही है ना? हाँ। तो वहाँ एक भाई भी माता के साथ आते थे, परमिशन भी मिला था, तो वो भाई अभी कल्पा से चले गए और कोई उनके साथ नहीं है, पूछ रही है कैसे क्या करते हैं। कल्पा से चले गए, उनका फोन नंबर नहीं लिया? माई चले गए, हैं? माई चले गए, नाम को चले गए।
हाँ हाँ नागपुर चला गया ना, तो नागपुर के सेंटर का एड्रेस दो जाने के लिए। जेल में जाने जेल में जाने जेल में ट्रांसफर हो गया। नहीं नहीं जाकर करना कहना बाबा, जेल में जाकर सर्विस करने के लिए कोई भाई, वो भाई जो था थे वो चले गए नाग, वो कड़पा जेल में था ना। नहीं जेल में नहीं, जेल में जाकर सेवा कर रहे थे। हाँ माता जी के साथ। हाँ वो भाई चले गए नागपुर चले गए। हाँ तो उनके साथ कौन जाए, और दूसरा भाई नहीं है, अकेले कैसे जा सकते हैं? क्यों माता जी तो खुद ही बूढ़ी है, उनको क्या डर है? ऐसा नहीं। हाँ कैसा है? आप क्यों नहीं जा सकते? हाँ बस जाइए, रास्ता नहीं पता है। ओ कड़पा जेल का, कड़पा जेल का ना, कड़पा जेल यहाँ तक आपको आने का रास्ता पता चल जाता है, फर्रुखाबाद तक जाने का रास्ता पता चल जाता है। अरे कड़पा के अंदर आप रहते हैं तो कड़पा के जेल ढूंढने में क्या बड़ी बात है? कोई भी आदमी को साथ लेंगे, उसे 10 रुपया देंगे 20 रुपया देंगे, वो रास्ता बता देगा। हाँ फिर क्या, रास्ता भी मालूम है। और माताओं को तो आओ आओजू आओजू और ज्यादा करते हैं, आपको बुजुर्ग देख करके आपको थोड़ा ही कोई धक्का देगा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और संस्कृत की गीता का श्लोक है, उसमें संस्कृत की गीता के एक श्लोक में कृष्ण के लिए वार्ष्णेय बोला, वार्ष्णेय माना वृष्णवंशी। क्या जब विष्णु बनता है ना, तो विष्णु का बच्चा वार्ष्णेय, जैसे वसुदेव का बच्चा वासुदेव, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में, जैसे विष्णु का अर्थ विष्णु का बच्चा फॉलोअर वैष्णव, जैसे शिव का बच्चा फॉलोअर शैव, ऐसे ही वृष्णवंशी कहा जाता है। ज्ञान की बरसात करने वाला, जो ज्ञान की बरसात करने वाला विष्णु है, वो प्रैक्टिकल में बरसात करता है या सिर्फ मुंह की बरसात करता है? हैं? प्रैक्टिकल में ज्ञान की बरसात करता है। और वो विष्णु जो संगम युग में बनेगा ना, उसका बच्चा कृष्ण होगा कि नहीं? तो वार्ष्णेय हो गया। और संस्कृत का लोप क्यों हो गया बाबा बीच में? संस्कृत है, कोई गांव में बोली नहीं जाती है, संस्कृतों की एक आर्टिफिशियल बनाई हुई भाषा है। संस्कृत माने सुधारी हुई, पहले पाली भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा बोली जाती थी, ये ग्रामीण भाषाएं थी, उनको सुधार के संस्कृत बनाया है। तो ये बोली जाने वाली भाषा नहीं रही है दुनिया में कहीं, ये आर्टिफिशियल है, सुधार के बोली जाने वाली। एक एक शब्द का अर्थ है, हिज्जे हिज्जे का अर्थ बनाया गया है। और विद्वान आचार्य होते हैं ना, वो संस्कृत में बात करते हैं, कोई समझ न सके। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? है इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? कौन करते हैं? हम ब्राह्मण बच्चे इस बात की शूटिंग करते हैं, ट्रेन में या कहीं भी या स्टेशन पे कहीं भी बैठ करके हम अपनी ज्ञान की बातें करने लगे और सुनने वाली भीड़ इधर उधर सुनने लगे तो कुछ समझ में आएगा उनको? पता नहीं ये क्या बातें करते हैं। तो हमारी संस्कृत भाषा है। और बाबा कहते हैं बिगर कहे करे सो देवता, बिना ही कहे काम कर दे, अकल से समझ करके कि ये काम पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं,
लोग आते जाते हैं, देखते हैं बर्तन पड़े हुए हैं, तो अकल तो है ना। तो जो अकल वाला है, बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है, उसको कोई कहे बैठ करके तो ये बर्तन मल दो कि अपने आप मलने लगे हैं, अपने आप करे सो देवता, और नहीं करता है। 20 बार देख लिया कि हाँ पड़े हुए हैं, आने वाली पब्लिक भी देखती जाती है, माताएं आती हैं देखती जाती हैं, नए नए जिज्ञासु आते हैं देख लेते हैं, हाँ ये तो ढेर के ढेर बर्तन पहले पड़े हुए, तो भी नहीं करते। तो बिगर कहे कर दे अगर, तो कौन से धर्म का है? वो ही देवता धर्म का है। और फिर कहे, अरे भाई ये इतना पड़ा हुआ है लोग क्या कहेंगे, कर दो ना, तो कर दे, तो कौन? तो मनुष्य। और कहने से भी ना करे तो मनुष्य से नीचे और कौन होता है? है जानवर कहो राक्षस कहो, उसकी अकल में नहीं आता है। क्या चक्कर है, क्यों कहते हैं? वो गंदे बर्तन पड़े रहेंगे तो कल खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो बाबा कहते हैं बेगर कहे करे सो देवता। लेकिन श्रीमत तो ये भी है कि कदम कदम पर श्रीमत लेना है, तो कदम कदम पर श्रीमत लेना है या बिगर कहे करना है? हैं? बर्तन मलना सेवा नहीं है? तो वो सेवा करने के लिए श्रीमत लेनी है? हैं? अरे मुरली में पहले से ही श्रीमत मिली हुई है, श्रीमत नहीं मिली हुई है। श्रीमत तो ये मिली हुई है कि अपनी सेवा तो अपने आप करनी ही करनी है और दूसरों की भी सेवा करनी है, यज्ञ सेवा भी करनी है। ये शरीर के लिए जो सेवा है उसके लिए तो 8 घंटे दिए हैं, अपने कपड़े साफ करो, अपना खाना बनाओ, ये किसकी सेवा है? अपनी सेवा है। तो नई बुद्धि में बात आती है तो पूछा है कि श्रीमत कदम कदम पर लेना है या नहीं लेना है? अरे बर्तन पड़े हुए हैं तो कदम कदम पर श्रीमत लेने की क्या बात है, वो तो ऑलरेडी श्रीमत मिली हुई है। कृष्णा सीरियल में दिखाया है कि कृष्ण मथुरा जाते समय राधा से और गोपियों से वचन लेते थे कि आंसू मत बहाना, तो बेहद में इसका अर्थ क्या है? आंसू वो बहाएंगे जो देह को याद करेंगे और जो अव्यक्त हो गए होंगे, जो याद करते करते अव्यक्त स्टेज में टिक गए तो वो रोएंगे। हैं? हो तो रो नहीं सकते। अगर हमसे गलती होती है तो बाबा को लिख कर देना चाहिए, और हमने बाबा को लिख कर दे भी दिया, लेकिन अंत में धर्मराज तो सबको सजा देंगे। जो लिख कर देंगे उनको भी देंगे, और जो नहीं देंगे उनको भी सजा देंगे। ऐसा है? 8 जो लिख करके देते हैं उनको सजा मिलती है? हैं? तो ये बात तो गलत है कि लिख करके देंगे तो भी सजा लेंगे के भागी बनेंगे, और नहीं लिख करके देंगे तो भी सजा के भागी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बात किनके लिए है? ये उनके लिए है कि जो बार बार लिख करके भी देते हैं
फिर भी अपन को सुधारते नहीं है। जब नहीं सुधारते हैं तो बार बार लिख करके देने से आधी सजा ही माफ होती रहेगी या कम होती जाएगी। एक बार दो बार लिख करके दे दिया, एक बार दो बार माफ, फिर तीसरी बार वही गलती करके फिर लिख करके दे दिया तो आधी ही माफ होगी या कम माफ होगी? आधी माफ नहीं होगी। फिर जितनी बार गलतियां करते रहेंगे और लिख लिख करके देते रहेंगे तो सजा का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ऐसे नहीं कि बार बार लिख करके दे दें और बार बार आधी माफ होता रहे, तो जब परसेंटेज जिनका बढ़ जाएगा उनको सजा तो खानी पड़ेगी। एक वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि प्रजापिता को कोई भी प्रश्न पैदा नहीं होता है, सिर्फ प्रजापिता को कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है या प्रजापिता को फॉलो करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है? जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं उनको भी, जो फॉलो करने वाले असली सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है, बाकी दूसरे जो है उनको प्रश्नों की बौछार लगी रहती है। जैसे रावण के एक सर काटा, दूसरा सर निकल आया, दूसरा काटा, तीसरा निकल आया, तीसरा काटा, चौथा निकल आया। वो रावण के सर कितने भी काटते जाओ कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तो बाबा जो भी प्रश्न पूछते हैं क्या वो बाबा के असली बच्चे नहीं हैं? अगर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते हैं या पब्लिक के लोग उनसे जो प्रश्न पूछते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं, जो समझने के लिए आते हैं और उनका वो एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाते हैं तो किससे पूछेंगे? बाबा से ही पूछेंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको असली कहेंगे या नकली कहेंगे? असली ही कहेंगे। बाकी जो विरोध करने के लिए प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या संशय पैदा करने के लिए प्रश्न नए नए खड़े करते हैं, वो असली बच्चे नहीं है। और ट्रांसलेट करके यहाँ सेंटर में दे सकते हैं ना? क्यों, कोई मना है क्या? ये पूछ के करो, पूछ के सेवा पूछ के करो ना, दान पूछ के करने की जरूरत है और ना सेवा करने की पूछ के जरूरत है। दान करना अच्छी बात है खराब बात है? और सेवा करना अच्छी बात है, तो उसे पूछ करने की क्या बात है? सहयोग लेकर के करना होता है ना, एक अकेले नहीं करते ना, तो सहयोग लेने के लिए पूछते हैं तो बोलते हैं पहले बाबा से पूछो। इसलिए सहयोग लिए बिना सेवा नहीं होती है, फिर क्या बात है? संगठित सेवा करनी होती है तो सहयोग की जरूरत होती है। संगठित सेवा नहीं है या कोई तैयार नहीं होता है तो अकेला चलो रे। बाबा यहां पर अष्टदेवों की पूजा तो करते हैं,
अष्टदेवों की पूजा तो करते हैं लेकिन प्यार नहीं करते। डर के मारे करते हैं। है? डर के मारे करते हैं तो जरूर प्यार नहीं करते हैं ना। प्यार नहीं करते हैं, पूजा करते हैं। तो अष्टदेवों ने एक को प्यार किया होगा, सबको प्यार नहीं किया होगा। तो सब अष्टदेवों को प्यार नहीं करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, क्योंकि उन अष्टदेवों ने क्या किया? एक शिव बाबा को प्यार किया, एक शिव बाबा का कार्य किया। पतितों को पावन बनाने में क्या किया? एक शिव बाबा की मदद की, तो उनकी पूजा होती है। बाबा कोई आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ करने में या दूसरों को कोर्स कराने में आगे बढ़ते हैं, तो उनसे हमको ईर्ष्या होने लगती है। हमको ईर्ष्या होती है तो हमारा शूटिंग क्या होगा? है? हमारी शूटिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा? है? है? अपनी स्थिति खराब हो जाएगी। अगर अपनी स्थिति खराब होती है तो रिजल्ट क्या होता है? प्रजा वर्ग में चले जाते हैं क्या? और जिस प्रजा वर्ग में जावेंगे वो प्रजा कैसी होगी? राजाओं से ईर्ष्या करने वाली होगी या प्यार करने वाली होगी? हैं? ईर्ष्या करने वाली प्रजा बनेगी। तो आदि से चल तो चला रहा बाबा, ईर्ष्या करना तो कोई राजा होता है, करता है तो आदि से ही से। कोई राजा होता है, उसके राज्य में ऐसी प्रजा के लोग होते हैं कि नहीं जो राजा से और राज परिवार से ईर्ष्या करते हैं? कौन होते हैं? उनको क्या कहते हैं? अरे अरे जो चोर डकैत बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं, मौका देख के हमला करते हैं लोगों के ऊपर, वो राजा से ईर्ष्या ही करने वाले तो होते हैं। अरे आज तो वार्तालाप का क्लास ही ठंडा हो रहा है, कोई भाई नहीं है। हैं? माताओं का संगठन है। ओम शांति। जो ज्ञान मार्ग का गांधी है उसका पता चल गया है। मुरली में बोला गांधी ने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी के घर में राजकोट की तरफ जन्म ले लिया। इससे साबित हो जाता है कि ज्ञान मार्ग का जो गांधी है ब्रह्मा बाबा, उन्होंने शरीर छोड़ा तो कोई साहूकार कांग्रेसी
अर्थात ज्ञान रत्नों का कोई साहूकार कांग्रेसी है जिसके यहाँ राजकोट में, राज माने राजाओं का और कोट माने किला, राजाओं के किले में जाकर के जन्म लिया है। ये राजाओं का किला रुद्रमाला है या विजयमाला है? ये रुद्रमाला में कोई किला कहो, माला रूपी संगठन कहो, उस किले में कोई साहूकार कांग्रेसी है। ज्ञान रत्नों का बड़ा साहूकार है, उसके शरीर रूपी घर में गांधी जी जन्म ले चुके हैं। तो बात समझ में आ जाती है। कांग्रेसी माने संगठन के ऊपर कंट्रोल करने वाला, राजाई करने वाला। कांग्रेसी राजाई भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे हैं? भोग रहे हैं। और का साथ जो है, का साथ जो हाँ जी, वो क्या होता है? लक्ष्मी ज्ञान धन देने वाली है। क्या देने वाली है? ज्ञान धन देने वाली है। लेकिन ज्ञान धन देने वाली लक्ष्मी जब एडवांस में आएगी तब ज्ञान धन देगी या अभी भी ज्ञान धन दे रही है? एडवांस में आएगी तब ज्ञान धन देगी। परंतु लक्ष्मी हो या लक्ष्मी का कोई ग्रुप हो, ब्रह्मा कुमारियां हो, वो दुनियावी रीत से जो साहूकार हैं उनके ऊपर सवारी करके बैठी है, या ज्ञान के जो साहूकार हैं उनके ऊपर सवारी करके बैठी है? हैं? दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन साहूकारों के ऊपर ब्रह्मा कुमारियों ने कंट्रोल किया हुआ है, सवारी की हुई है, जिसकी यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं कि वो साहूकार उनकी बुद्ध रूपी चौंच धरणी की तरफ है, दुनिया की तरफ, और पांव ऊपर की ओर है, माने वो ऊंची दुनिया को लात मार रहे हैं, और जो धरणी की नीची दुनिया है, नरक की दुनिया, उसकी तरफ उनका मुंह लगा हुआ है। इसलिए दिखाते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लुओं के ऊपर होती है। उल्लू उल्टा लटकता है। क्या? दिन में भी उल्टा लटकता है, वास्तव में उल्लू उल्टा नहीं लटकता है, चमगादड़ उल्टे लटकते हैं। बाबा ने उल्लू नाम दिया है, क्यों है? वो चमगादड़ भी अंधेरे में रहते हैं और उल्लू भी अंधेरे में रहते हैं। और है कल्पयुग हुआ कितना तो वो बताए जब सृष्टि की शुरुआत का पता चले। ये सृष्टि की आदि नहीं होती है और अंत भी नहीं होता है,
ये चक्र लगातार घूमता रहता है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वो चक्र कभी रुकता नहीं है। इसलिए इस सृष्टि में कितने दिन हुए, कितनी रातें हो गईं, कितनी बार युग परिवर्तन हुए, कितनी बार कल्प का परिवर्तन हुआ, ये कोई बता ही नहीं सकता। जैसे आत्मा की आदि नहीं है, परमात्मा की आदि नहीं है, सृष्टि और सृष्टि के पांच तत्वों की आदि नहीं है, ऐसे ही सृष्टि की भी आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। ये मूर्खता का प्रश्न है कि सृष्टि की आदि कब हुई, कितने कल्प बीत गए, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, जो गौएं होती हैं, वो गौएं अकेली रहती हैं या गौओं के साथ बैल भी होते हैं, लेकिन गायन किसका है? है गौओं का गायन है, माने गौ जैसा जिनका स्वभाव होता है। गौ माने जैसे चलाएं वैसे चले, जिस श्रीमत रूपी खूंटे से बांध दिया जाए जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहे, तो आत्मा ही गौ है। वो आत्माएं अभी जानवर बुद्धि बन गई है। तो ऐसे शरीर का कोई मायने नहीं रखता, तो जब गौ की बात आती है आत्मा के रूप में, तो शरीर कोई मायने नहीं रखता इसमें? अभी शरीर माना रखता है। रुद्रमाला में जो स्त्री चोले हैं, क्या कोई माने रखते हैं? या पुरुष ही हैं स्वभाव संस्कार से? हैं? तो माने है या नहीं है? नहीं है। जो संस्कार शक्ति है वो ही प्रबल है, संस्कार शक्ति के आधार पर ही हार्मोन्स चेंज होते हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाती है। और गरुड़ पुराण में दापर पहले की वजह दापर छोटी पहले दापर तो पहले नहीं आया, तो त्रेता का है पहले आया, वही पूछ रहा हूँ दापर त्रेता के बारे में। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता पड़ा। और द्वापर में द्वैतवादी धर्म आ जाता है, द्वैतवादी राज्य आ जाते हैं, द्वैतवादी भाषा भाषी आ जाते हैं, द्वैतवादी कुल आ जाते हैं, द्वैतवादी मत मतांतर आ जाते हैं, इसलिए उसका नाम द्वापर पड़ा है। द्वापर से जिनकी पैदाइश होती है वो दैत्य हैं, और सतयुग त्रेता में जिनकी पैदाइश होती है वो अद्वैत हैं, दूसरा धर्म नहीं, दूसरी भाषा नहीं, दूसरा राज्य नहीं, दूसरा कुल नहीं, दूसरा मत मतांतर नहीं, इसलिए वो अद्वैत देवताएं कहे जाते हैं। द्वैत से दैत्य पैदा होते हैं, अद्वैत से देवताएं पैदा होते हैं। और
आधा में जाम, आधा में रैया, उसका अर्थ क्या है? जाम राजा को कहा जाता है जो जमा रहता है, वो किसी के पलटाने से नहीं पलटता, उसके पलटाने से सारी सल्तनत को पलटना पड़ता है। तो वो जाम, जाम माने राजा, पूरे राज्य की जितनी भी पैदाइश होती है उस पैदाइश का आधे हिस्से में राजा और राज परिवार पलता है और बाकी आधे में प्रजा पलती है। इसलिए कहा गया आधा में जाम और आधा में रैयत, रैयत माने प्रजा। द्वापर युग में जो शास्त्र लिखने वाला है वो आत्मा संगम में होगी या नहीं होगी, और संगम युग में जो आत्मा व्यास की होगी वो आत्मा विशेष रूप से किस बात के लिए बैठेगी? आसमाने बैठना, भी माने विशेष, और भी आत्माएं बैठती तो हैं, लेकिन विशेष रूप से 100% नहीं बैठती। कुछ न कुछ है, लौकिक लाभ के लिए भी बैठी हुई होती है, लेकिन जो व्यास की आत्मा होती है वो एक ही उद्देश्य लेकर के बैठती है जीवन में। जब भगवान आते हैं तब क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है भगवान के कार्य में पूरे रूप से सहयोगी बनना। ईश्वरीय कार्य के लिए ही बैठती है, लौकिक लाभ लेने के लिए नहीं बैठती। इसलिए यहां भी बेहद का व्यास है और वहां हद का व्यास है। बेहद का इसलिए है कि बेहद में जो भगवान बाप है वो भगवान बाप आकर के उस आत्मा को बेहद मनुष्य सृष्टि का बाप साबित कर देती है। द्वापर युग में सब भूल जाते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, और व्यास वाली आत्मा भी इस बात को भूल जाती है या याद रहता है? भूल जाती है, इसीलिए सारा गड़बड़ होता है शास्त्रों में। और शिवलिंग के सामने एक बैल रहता है, इसका मतलब शिव बाप आते हैं संगम युग में, तो जो शिवलिंग है वो किसका पार्ट है? कौन सी आत्मा का पार्ट है? राम वाली आत्मा का पार्ट है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और राम वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है लिंग के रूप में,
वो निर्विकारी पार्ट है या विकारी पार्ट है? निर्विकारी पार्ट है, इसलिए देवताओं के बीच में वो विशेष पूजा लेने का हकदार बन जाता है। बाजू में बैल दिखाते हैं, वो बैल नाली की ओर मुख किए हुए है या दूसरी तरफ दिखाया जाता है? ये नाली किस बात का सूचक है? है नहीं, ये नाली माता के रूप का सूचक है। उस माता के सामने ये कृष्ण बच्चा रख दिया है जो जानवर बुद्धि बन गया। बुद्धि में ये नहीं आता है कि ये हमारी माँ है। जब गुरु लोग गुरु बन के बैठते हैं माताओं के, तो माताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन है? गुरुओं के बीच में ब्रह्मा। जो ऐसा गुरु बनता है जो शिवोहम बनकर के बैठ जाता है, मैं ही गीता का साकार भगवान हूँ, मैं ही गीता पति भगवान हूँ, तो माता का पति बनकर के बैठ गया ना। मुरली में बाबा बोलते हैं ये तो जुल्म कर दिया। ये यादगार दिखाई है भक्ति मार्ग में, जानवर के रूप में बैठा हुआ दिखाया गया है। जानवर की बुद्धि में ज्ञान बैठता है क्या? ज्ञान बैठता है या अज्ञान बैठता है? अज्ञान ही बैठता है। और लौकिक दुनिया में माँ बाप के ऋण से बच्चे मुक्त हो जाते हैं क्या? है? नहीं हो पाते। ऐसे ही ये बेहद के माँ बाप हैं, उनके ऋण से बच्चे वो ही मुक्त होते हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, नहीं तो सजाएं खा जाते हैं। धर्मराज की सजाएं कौन नहीं खाते हैं? वो अष्टदेव क्यों सजाएं नहीं खाते हैं? क्योंकि जब से ज्ञान में आते हैं तब से एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाप बाप नहीं, माता माता नहीं, हमारा बाप शिव बाबा ही है, हमारी माता शिव बाबा ही है, हमारा पिता शिव बाबा ही है, हमारा पति शिव बाबा ही है। सब संबंध एक के साथ 100% निभाते हैं, इसलिए धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं। वो सारा ऋण चुकाए देते हैं ईश्वरीय सेवा करके। ऐसी ईश्वरीय सेवा जो दूसरे करेंगे तो जरूर माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाएंगे।
ढेर सारा पड़ गया है, तो ढेर सारा पड़ गया, डेढ़ घंटा हो गया। नहीं ढेर सारा पड़ गया, तुमको तो मजा आता है। दो महीने का बात आएगा, एक बार मामा को मिलता तो मैं सामने का हवा देता, मामा को तो थोड़ा तकलीफ होता ही है लेकिन बच्चों को तो मजा होता है, सब सुनने में मिलता है। इसीलिए तो गोवर्धन पहाड़ कहा गया है पत्थरों का, ये पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है या पारस बुद्धियों का पहाड़ है? पहले तो पत्थर ही था। पहाड़ किसका है? गोवर्धन पहाड़ पत्थरों का है या पारस का है? पत्थर बुद्धि है, उन्हें ये पता नहीं कि ऋण कैसे चुकाया जाता है। अभी अभी तो बोला है बाबा ने कि जितना सेवा करेंगे ऋण चुकता है, जितने प्रश्न पूछेंगे उतना ही ऋण चुकत होगा, तो और बढ़ जाएगा। पूछ लगी हुई है, पूछने का पूछ लगी हुई है, प्रश्न में पूछेगा इतना। ओम शांति।